यू नो धनश्री, जब हम लोग फेमस हुए थे ना तो अपने हिप्नोसिस की वजह से फेमस हुए थे। यू नो जहाँ पे मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनको हिप्नोटाइज करता हूँ और वो सारे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मतलब आपने कभी देखा है किसी को हिप्नोटाइज होते हुए? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है, बट सुना है मैंने। सुना है कहाँ? हाँ, सुना है दोस्त लोग में ही सुना है मैंने। सुना है हाँ मुंबई बड़ी शहर है, यहाँ होते हाँ हुए रहता होगा। इट्स ओके, बट मैं इंडिया का फर्स्ट स्ट्रीट हिप्नोसिस हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। यू नो लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, करेगा ट्राई। लेकिन हिप्नोसिस की मेन जो फंडामेंटल्स है ना वो ये है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू नो जैसे मैं आपके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं जानता था बट मैंने इजीली बता दिया, है ना, माइंड रीड किया। वैसे इस पर भी अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। और यू नो लोगों को ऐसा लगता है कि हिप्नोसिस उन्हीं के साथ हो सकता है जिसका माइंड वीक है, बट रियलिटी ऐसा है कि ये उन्हीं के साथ होता है जिनका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा है और वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इमेजिन कर सकता है। तो आपका इमेजिनेशन कैसा है? अच्छा है। है? आपका भी नर्वस लग रहे हो, आर यू ओके? ठीक हूँ मैं। ठीक है ना, ओके। तो सिर्फ आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको सिर्फ इमेजिन नहीं करना है बल्कि उसको फील करना है कि वो तुम्हारे साथ हो रहा है। ठीक है, ऐसे खड़ी हो जाओ, सिंपल। एक काम करते हैं, इस साइड आ जाओ, ऐसे खड़ी हो जाओ, परफेक्ट। ऐसे जाम मेरी तरफ देखो, ठीक है, परफेक्ट। ऐसे खड़ी रहो, स्ट्रेट एकदम, है ना, लूज कर लो मसल्स को, एकदम लूज रखो, ठीक है, परफेक्ट। यू नो हाथ को और लूज, मतलब इतना लूज रखो कि अपने आप नीचे चले जाए, परफेक्ट। बहुत सही कर रही हो, ओके। अब क्या करना है ना, आपको मेरे लेफ्ट आँखों में देखना है और सिर्फ इमेजिन करो कि इस आँखों के ना तुम 2 फीट आर पार देख सकती हो, सिर्फ इमेजिन करो, ठीक है। और इस पर फोकस करो, फोकस करो, अपना राइट हैंड मुझे देना, इधर देखो, देखती रहो। जब मैं स्लीप बोलूँगा हाथ को ढीला करो, ढीला करो, एकदम लूज, परफेक्ट। यू नो ऐसे देखती रहो, यहाँ पे देखती रहो, आंखें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब मैं स्लीप बोलूँगा तुम सोओगी नहीं, जस्ट तुम्हारी आंखें बंद होने वाली हैं और तुम्हारी बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाएगी और इवन तुम गिरने नहीं वाली हो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए हिप्नोसिस में, तुम गिरने वाली नहीं हो, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारे बैलेंस हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। इधर देखो, नाउ स्लीप। वाह परफेक्ट वैष्णवी, धनश्री तुम परफेक्टली फाइन हो ना। सिर्फ मुंडी हिला के बताओ कि तुमको मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर, ठीक है। जब मैं 3 तक काउंट करूँगा उससे तुम्हारा ट्रांस और डीप होता जाएगा और इवन तुम्हें समुद्र की लहरें सुनाई दे रही होगी। ये तुमको है ना तुम्हारे ट्रांस को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करने वाली है। इवन जब तुम इससे बाहर आओगे ना तुमको बहुत एक्साइटेड फील होगा और बहुत यू नो एनर्जेटिक रहोगे तुम। एडी 3 तक काउंट करूंगा और जैसे मैं 3 बोलूंगा ये ट्रांस है ना 10 times मोर डीपर हो जाएगा। 1 2 3 धनेश्री, अब मैं 10 तक काउंट करने वाला हूँ और 10 तक काउंट करते ही ना तुम्हारा जो मेरी बातों पे बिलीव है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। और जब मैं 10 बोलूँगा तो वो 100% हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार ड्रीप ब्रीथ करो, अब छोड़ो। 9 एक बार फिर से डीप ब्रीथ करो, अब छोड़ो। 10 आंखें खोलना, ओके। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। मैं तुमको हिप्नोटाइज तो नहीं फील हो रहा है ऐसा कि हिप्नोटाइज हुए या कुछ हुए? नहीं ना, लाइक मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब आंखें बंद होने के बाद मैंने खोला तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। यू नो धूप के टाइम में अगर आप आंखें बंद करते हो तो भी होता है, राइट। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मालूम है धनश्री मैं यहाँ से ना एक चीज़ निकाला है अभी और उसको मैं ऐसा समुद्र में फेंक रहा हूँ और अब वो तुम्हारे दिमाग से परमानेंटली गायब हो चुका है। तुमको पता है वो क्या चीज़ थी जो मैंने अभी समुद्र में फेंकी है? नहीं। वो तुम्हारा नाम था ना, तुम्हारा नाम, ये ना। हाँ, इसे तुम्हारा नाम क्या है एक्चुअली? तुमने बताया था मुझे, शायद बताया था ना। हाँ। Obviously, मैं तुमको तब से तुम्हारे नाम से बुला रहा था, तुमको याद नहीं है तुम्हारा नाम? नहीं, याद आ रहा है बट याद आ रहा है। इवन तुम जितना याद करने की कोशिश करोगे ना उतना ही भूलती जाओगे। देखो याद करके तुमको याद आ रहा है तुम्हारा नाम? नहीं याद आ रहा है। नहीं। देखो इवन जितना ट्राई करोगे उतनी भूलती जाओगे। वैसे कितने साल की हो तुम? 22 की है, राइट। और 22 साल से ये नाम तुम्हारे साथ है? तुम्हारा नाम याद आ गया? हाँ।
क्या नाम है? धनश्री. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी. बट यू नो, तुम एक टाइम पे ऐसे भूल गई थी अपना नाम, राइट? वो पता नहीं, हो गया था, कंफ्यूजन हो गई थी. यू नो, एक बार फिर से करे, इधर देखो, हाथ देखो, हाथ को बॉडी को कम्प्लीटली लूज, इधर देखती रहो. नाउ स्लीप. सिर्फ इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, और उसके ऊपर तुम्हारे नाम के पूरे अल्फाबेट लिखे हुए हैं. सबसे पहला अल्फाबेट वैनिश हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इमेजिन मत करो, सिर्फ उसको फील भी करो. पहला अल्फाबेट डी वैनिश हुआ, अब दूसरा अल्फाबेट वैनिश हो रहा है, तीसरा अल्फाबेट वैनिश हो रहा है, चौथा, पाँचवा, छठवा, जितने भी अल्फाबेट थे ना, एक साथ सारे मिट हो गए. और ये एक्चुअली वो ब्लैक बोर्ड जो था ना, वो ब्लैक बोर्ड नहीं, तुम्हारा माइंड था. जब मैं थ्री बोलूँगा, अपनी आँखें खोलनी है, ठीक है? रेडी, 1 2 3. अपनी आँखें खोलना. अभी याद आ रहा है? याद आ रहा है नाम? हाँ. क्या है? कोशिश कर रही है. आ रहा है? हाँ आ रहा है. 2 मिनट. नहीं याद. अच्छा ट्राई तो करो. तुम्हारे साथ ये नाम 22 सालों से. वैसे तुम्हारा नाम रखा किसने था? पापा ने, मम्मी ने? दादी. दादी ने. यार दादी का फेवरेट नाम है, तुम कैसे बोल सकती हो? अपना हाथ दिखाओ, मैं बताता हूँ कैसे. इधर देखो, ये ना मैं है ना, वहाँ से फिर से तुम्हारा नाम निकाल रहा हूँ और तुम्हारे जस्ट माइंड में डाल रहा हूँ. जो पहला नाम तुम्हारे माइंड में आएगा वो बोलना. क्या नाम है तुम्हारा? धनश्री. देखा. वैसे पहले मैं बहुत लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब कोई हिप्नोटाइज होता है, आप हिप्नोटाइज नहीं हुए थे, राइट? मैं जो बोल रहा था क्लियरली सुन सकते हो सब कुछ, बट फिर आप अपना नाम क्यों नहीं बता पा रहे थे? वो एक टाइम ऐसा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी मेरे नाम को लेके. मैंने जब आंखें बंद की, मैं कुछ सोच रही थी जैसे आप बोल रहे थे, तो फिर मुझे खुद को कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए शायद. यू नो, कभी कभी आप हिप्नोसिस में ज़्यादा टाइम देते हो सामने वाले को कि सोचने के लिए और उनके दिमाग को प्रोसेस करने के लिए. तो इसमें वो प्रॉब्लम हुआ कि वो जब नाम बोली उसके बाद मैं उसको सोचने के लिए काफ़ी टाइम दे रहा था, इसलिए आपने देखा होगा बीच में उसको नाम याद आ गया. तो इतना भागने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कंटिन्यूस कुछ बोलते रहना चाहिए जिससे उनको याद ना आए. और इस वाले सेट में मैंने एक और प्रॉब्लम देखी कि लड़की अकेले खड़ी थी, इसलिए उसको ट्रस्ट इशू हो रहा था. कभी कभी जैसे कोई सिंगल पर्सन है जिसको आप हिप्नोटाइज कर रहे हो, तो उसको ऐसा लगता है कि यू नो, ये कुछ लेके तो नहीं चला जाएगा, तो या फिर कोई चोरी करने तो नहीं आया, इसलिए ट्रस्ट इशू भी बिल्डअप होता है. और हिप्नोसिस का जो फर्स्ट रूल है कि आपको हमेशा है ना उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है, तभी वो आपकी बातें मानेंगे और आप जो चाहते हैं वो इमेजिन करेंगे और उसको फील करेंगे. तो यहाँ पर थोड़ी सी गलतियाँ हुई मेरी तरफ से. मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में. टिल देन, नमस्कार.